अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज आपके साथ एक छोटा सा है को ट्रिक शेयर करने लगे हैं, और वो ये है कि अगर आपके जूते जो हैं वो आपको थोड़े से साइज़ में बड़े हैं, जिस तरह मेरे पास इस टाइम पे ये जूते हैं मेरे, ठीक है जी, ये मुझे थोड़े से साइज़ में बड़े आ रहे हैं, मुझे लूज़ है और मेरा पाँव जो है वो निकल रहा है इसमें से, तो उसके लिए एक ट्रिक है और वो आपके साथ शेयर करते हैं। लेट्स गो देयर। ओके यार, ये देखें, ये एक जो है इस टाइम पे मेरे पास फुट केयर का कुशनिंग जेल इन सोल्स हैं, ये इस तरह के हैं, और इनकी अगर आपको इसमें नज़र आए तो यहाँ पे नंबरिंग हुई भी है, तो आप इसको यहाँ से इस जगह से कैंची के साथ काट सकते हैं अपने साइज़ के हिसाब से। यहाँ पे ये नंबरिंग्स हैं, ठीक है जी, और ये मैं हालांकि 40, ये 40 का नंबर है, इसको आप 39 38 अपने हिसाब से काट सकते हैं, ये तो आ जाएगा इसके अंदर। लेकिन एक और चीज़ जो है हमारे पास इस टाइम पे वो है ये छोटा सा कुशन पैड, जो कि जूते में यहाँ पे लग जाता है ऊपर, और उससे आपका जो जूता है वो पाँव यहाँ से निकलना जो है वो कम हो जाएगा। अब ये देखें, ये इसके अंदर लगा हुआ है और इसके अंदर नहीं लगा हुआ, तो इसमें हम लगाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, इसको जो है ना शू टंग पैड कहते हैं, और ये देखें, ये हम इसको ऊपर से इसका जो एडहेसिव है एरिया उसके ऊपर से इसकी कवरिंग उतार रहे हैं, और वंस ये कवरिंग उतर जाएगी तो हम इसको इसके इस हिस्से पे, ऊपर वाले हिस्से पे यहाँ पे इसको चिपका देंगे। डन, हियर वी गो। ये देखें जी, ये इसके नीचे लग गया है, और अब हम इसको पहन के देखते हैं। इस टाइम पे मुझे शू हॉर्न मिल नहीं रहा, तो इसलिए मैं इसको यूं ही पहन के दिखाता हूँ आपको। ये देखें, अभी जो है ये काफ़ी फिट हो गया, पहले जो है मेरा पाँव वो पूरा पूरा जो है चलने के वक्त बाहर निकल रहा था। अच्छा, वैसे तो मेरा काम जो है वो इनके लगाने से ही हो गया, ये शू टंग लगाने के साथ ही ख़त्म हो गया, लेकिन ये अगर आप चाहें तो ये जो आपकी कुशनिंग है, जस्ट इन केस के आपको जो पाँव है वो ज़्यादा सॉफ्टनेस आपको चाहिए फुट के अंदर, सोल के अंदर, तो ये आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने तो इसको कटिंग के वगैरह भी डाला है, तो ये काफ़ी सॉफ्ट कर देता है आपके जूते को। और ये जो है, बहरहाल मेरा तो ऑलरेडी क्योंकि टाइट हो चुका है, ये आपको मैंने वैसे डाल के दिखा दिया, इसकी कटिंग करें और जस्ट इसको फ्लिप अटेन। सो गाइस, दिस वाज इट, आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सो गाइज, दिस वॉज इट, आज की इतनी सी वीडियो आपके साथ शेयर की, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और नहीं, अभी हर वक्त तो ऐसे थोड़ी करती है, तो सिर्फ तस्वीर के लिए थी ना, ये तो सिर्फ तस्वीर के लिए थी, हैं? सो गाइज, दिस वॉज इट आज के लिए।